हेलो साथियों, एक एग्जाम साइकिल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशुतोष कुमार सिद्धार्थ। आज आप लोगों का एक नया सब्जेक्ट चालू होगा जिसका नाम है मध्यकालीन इतिहास। इतिहास में आपका ये दूसरा सब्जेक्ट है यानी मध्यकालीन इतिहास। इसके पहले आपका प्राचीन इतिहास चल रहा था। प्राचीन इतिहास को रोककर आज हम इसको मध्यकालीन इतिहास लेकर चल रहे हैं। इसमें पहला जो अध्याय है मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास मध्यकालीन इतिहास में जो पहला हमारा अध्याय है, अध्याय फर्स्ट जिसका नाम भारत और विश्व, यह हमारे अध्याय का नाम है भारत एवं विश्व। अब इसमें देखते हैं भारत और विश्व में पहला हेडिंग हमारा भारत एवं विश्व है। अब इसमें पहला पॉइंट क्या है उसको देखते हैं। यूरोप में छठी सदी से चौथाई यानी 576 ईस्वी 576 ईस्वी तक शक्तिशाली रोमन साम्राज्य का अधिकार था कि शक्तिशाली ये 575 ईस्वी शक्तिशाली रोमन साम्राज्य का अधिकार था। यूरोप में छठी सदी की तीसरी चौथाई 575 ईस्वी की शक्तिशाली रोमन साम्राज्य का अधिकार था। यूरोप पर रोमन साम्राज्य का अधिकार था। अब इसमें देखते हैं आगे, जिसमें यूरोप और मध्य सागरीय क्षेत्र को एक किया था जो दो भागों में बट चुका था
यूरोप में 6वीं सदी की तीसरी चौथाई की शक्तिशाली जो साम्राज्य था, यानी यूरोप पर रोमन साम्राज्य का अधिकार था, जिसमें यूरोप और मध्य सागरी क्षेत्र को एक किया था, जो दो भागों में इस समय बढ़ चुका है। अब देखते हैं आगे। पश्चिमी भाग जिसकी राजधानी रोम थी, पश्चिमी भाग जिसकी राजधानी रोम थी, पश्चिमी भाग जिसकी राजधानी रोम थी, इस भाग के चर्च को कैथोलिक चर्च कहते थे। इस भाग के चर्च को कैथोलिक चर्च कहा जाता है। इस भाग के चर्च को कैथोलिक कहा जाता था। अब इसमें अगली पॉइंट देखेंगे। पूर्वी भाग की जो राजधानी थी बैजंती थी। पूर्वी भाग की राजधानी वैजंतीन या कुस्तुतुनिया वैजंतीन या कुस्तुतुनिया कुस्तुतुनिया थी। पूर्वी भाग की जो राजधानी थी वैजंतीन या कुस्तुतुनिया थी। अब इसमें अगला देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है हमारा। इस साम्राज्य को वैजंतीन साम्राज्य भी कहा जाता था। इस साम्राज्य को वैजंतीन साम्राज्य कहा जाता था। इसमें पूर्वी यूरोप का अधिकांश भाग इसमें पूर्वी यूरोप का यूरोप का पूर्वी यूरोप का अधिकांश भाग पूर्वी यूरोप का अधिकांश भाग इसमें पूर्वी यूरोप का अधिकांश भाग तथा साथ ही आधुनिक तुर्की तथा साथ ही आधुनिक तुर्की साथ ही आधुनिक तुर्की सीरिया और मिस्र
सीरिया और मिस्र समेत उत्तरी अफ्रीका शामिल थे। समेत उत्तरी अफ्रीका शामिल थे। इसमें पूर्वी यूरोप का अधिकांश भाग तथा साथ ही आधुनिक तुर्की, सीरिया, मिस्र समेत उत्तरी अफ्रीका भी शामिल था। अब इसमें अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट हमारा क्या है? पूर्व के चर्च को यूनानी ऑर्थोडॉक्स चर्च कहा जाता था। पूर्व के चर्च को यूनानी लोग ऑर्थोडॉक्स चर्च के नाम से पुकारते थे या जानते थे। अब इसमें जो अगली पॉइंट है, पूर्व के चर्च को यूनानी लोग ऑर्थोडॉक्स चर्च कहा जाता था। अब आगे देखते हैं इसमें, रूस ने यूनानी ऑर्थोडॉक्स चर्च और वैजंतनी चर्च, ऑर्थोडॉक्स चर्च और वैजंतनी चर्च, रूस ने यूनानी ऑर्थोडॉक्स चर्च और वैजंतनी चर्च शासकों के प्रयासों के कारण ही ईसाईयत को अपनाया रूस ने यूनानी ऑर्थोडॉक्स चर्च और वैजंतनी चर्च शासकों के प्रयासों के कारण ही ईसाईयत को अपनाया। अब इसमें अगला पॉइंट देखते हैं। अब अगला पॉइंट जो है, पंद्रहवीं सदी के मध्य में कुस्तुतुनिया को तुर्कों ने जीत लिया था। कुस्तुतुनिया को तुर्कों ने जीत लिया था। पंद्रहवीं सदी के मध्य
में कुस्तुतुनिया को तुर्कों ने जीत लिया था और इसका पतन हो गया और जीत लिया था और इसका पतन हो गया पतन हो गया इसका पतन हो गया। अब अगला जो पॉइंट है हमारा, इतिहासकार एक लंबे समय से छठी से दसवीं सदी तक छठी से दसवीं सदी तक के काल को अंधकार युग कहते हैं। इतिहासकार एक लंबे समय से छठी से दसवीं सदी तक के काल को अंधकार काल कहते हैं। अंधकार काल कहते हैं। अब इसमें अगली पॉइंट देखेंगे। बारहवीं और चौदहवीं सदी के बीच पश्चिमी यूरोप एक बार फिर से समृद्ध हो गया। बारहवीं और चौदहवीं सदी के बीच पश्चिमी यूरोप एक बार फिर से समृद्ध हो गया। अब आगे देखते हैं अगला पॉइंट। फ्यूडलिज्म का उदय रोमन साम्राज्य के विघटन के बाद पश्चिमी यूरोप में एक नए प्रकार के समाज
और नई शासन व्यवस्था एक नए प्रकार के समाज और नई शासन व्यवस्था शासन व्यवस्था एक नई प्रकार का शासन व्यवस्था का फ्यूडलिज्म शासन व्यवस्था फ्यूडलिज्म फ्यूडलिज्म का उदय हुआ। रोमन साम्राज्य के विघटन के बाद पश्चिमी यूरोप में एक नए प्रकार के समाज और एक नए शासन व्यवस्था का उदय हुआ एक नए शासन व्यवस्था फ्यूडलिज्म का उदय हुआ। अब फ्यूडलिज्म का मतलब क्या होता है? फ्यूडलिज्म का जो अंग्रेजी अर्थ है यानी फीफ है, फीफ, इसका अंग्रेजी अनुवाद फीफ है। फ्यूडलिज्म का अंग्रेजी अनुवाद फीफ है, FIEF फीफ है। फ्यूडलिज्म का अंग्रेजी अनुवाद फीफ है। अब इसमें अगला देखते हैं पॉइंट। राजा अपने शक्तिशाली सरदारों पर अंकुश राजा अपने शक्तिशाली सरदारों पर अंकुश लगाने के लिए इस नीति को अपनाया राजा अपने शक्तिशाली सरदारों पर अंकुश लगाने के लिए इस नीति को अपनाया। राजा अपने सरदारों को अपना वेसल राजा सरदारों को अपना वेसल या अधीनस्थ बनाकर उनसे अपने प्रति निष्ठा अधीनस्थ बनाकर उसने अपने प्रति निष्ठा की शपथ लेता था
सफर लेता था, सफर लेता था, और बदले में उनके, और बदले में उनके कब्जे वाले इलाकों को, उनके कब्जे वाले इलाके को, कब्जे वाले इलाके को, कब्जे वाले इलाके को अपनी फीप के रूप में, अपनी फीप के रूप में, के रूप में रूप में मान्यता, फीप के रूप में मान्यता देता था, मान्यता देता था। राजा सरदारों को अपने वेसल या अधीनस्थ बनाकर उनसे अपने प्रतिनिष्ठा की शपथ लेता था और बदले में उनके कब्जे वाले इलाकों को अपनी फीफ के रूप में मान्यता देता था। अब इसमें अगला पॉइंट देखते हैं। इस तरह फ्यूडल व्यवस्था में, इस तरह फ्यूडल व्यवस्था में, फ्यूडल व्यवस्था में, इस तरह फ्यूडल व्यवस्था में शासन पर एक भूस्वामी, शासन पर एक भूस्वामी शासन पर एक भूस्वामी कुलीन वर्ग का वर्चस्व था, भूस्वामी कुलीन वर्ग का, वर्ग का वर्चस्व था, कुलीन वर्ग का वर्चस्व था। यह कुलीन वर्ग जल्द ही पैतृक बन गया, और पैतृक बन गया गया और बन गया और उनसे हर कोशिश की, उनसे हर कोशिश, कोशिश की हर कोशिश की कि कोई बाहरी व्यक्ति उसकी कतार में, कोई बाहरी व्यक्ति उसकी कतार में, कोई बाहरी व्यक्ति उसकी कतार में न आ सके, उसकी कतार में, उसकी कतार में न आ सके, उसकी कतार में न आ सके, उसकी कतार में न आ सके। फ्यूडल व्यवस्था से, फ्यूडल व्यवस्था से दो और विशेषताएं भी, विशेषताएं
दो और विशेषताएं जुड़ी थी, दो और विशेषताएं जुड़ी थी, जिसका पहला नाम है सर्फडम। सर्फडम SERFDAM सर्फडम SERFDOM सर्फडम। अब इसमें देखते हैं, सर्फ एक ऐसा सर्फ एक ऐसा किसान होता था जो सर्फ एक ऐसा किसान होता था सर्फ एक ऐसा किसान होता था जो जमीन को जोतता बोता था और अपने स्वामी या सरदार सर्प एक ऐसा किसान होता था जो जमीन को जोतता बोता था और अपने स्वामी या सरदार की आज्ञा के बिना स्वामी या सरदार की आज्ञा के बिना अपना पेशा नहीं बदल सकता था। और किसी इलाके में बस भी नहीं सकता था और किसी इलाके में बस भी या निवास इलाके में सर्फ एक ऐसा किसान होता था जो जमीन को जोतता बोता था और अपने स्वामी या सरदार की आज्ञा के बिना पेशा नहीं बदल सकता था और किसी इलाके में बस भी नहीं सकता था और शादी नहीं कर सकता था। यानी वहां के उस समय के जो किसान वर्ग थे वह अपने अधिकार से वंचित थे। वहां के जो राजा थे, राजा के हर एक अनुशासन पर यानी उनके जो शासन था उन्हीं के शासन पर हर एक कार्य किया जाता था। अब अगला देखते हैं आगे।
पहला आपका सर्फडम हो गया, अब ये दूसरा जो है मेनर, मेनर मेनर MENOR मेनर। अब इसमें देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। मेनर वह किला होता था, मेनर वह किला होता था होता था मेनर वह किला होता था या हवेली होती थी, किला होता था या हवेली, हवेली होती थी, हवेली होती थी जहां लॉर्ड या स्वामी रहता था, जहां लॉर्ड या स्वामी रहते थे। मेनर वह किला होता था या हवेली होती थी जहां पर लॉर्ड या स्वामी रहते थे, लॉर्ड या स्वामी रहते थे। भूमि एक भूमि के एक भाग की जुताई, भूमि के एक भाग की जुताई, एक भाग की भूमि के एक भाग की जुताई लॉर्ड सीधे अपनी निगरानी में, लॉर्ड सीधे अपनी निगरानी अपनी निगरानी अपनी निगरानी अपनी निगरानी में अपने सर्फों की सहायता निगरानी में अपनी सर्फों सर्फों की सहायता सहायता से करवाता था, अपनी सहायता से करवाता था। सहायता से करवाता था और ये सर्फ अपने खेतों के अलावा और ये सर्फ अपने खेतों के अलावा अपने खेतों के अलावा ये सर्फ अपने खेतों के अलावा लॉर्ड के खेतों को, लॉर्ड के खेतों को लॉर्ड के खेतों को जोतने बोने के लिए बाध्य होते थे, जोतने बोने के लिए बाध्य होते थे, बाध्य होते थे। यानी वह मेनर वह किला होता था या हवेली होती थी जहां लॉर्ड या स्वामी रहता था। भूमि के एक भाग की जुताई लॉर्ड सीधे अपनी सर्फों की सहायता से करवाता था, सहायता से करवाता था और ये सर्फ अपने खेतों के अलावा लॉर्ड के खेतों को जोतने और बोने के लिए बाध्य थे, जोतने और बोने के लिए बाध्य थे। भारत में न सर्प प्रथा थी, भारत में न सर्प प्रथा थी, भारत में न सर्प प्रथा थी और न मेनर प्रथा। सर्फडम प्रथा भारत में न सर्फडम प्रथा थी और मेनर व्यवस्था,
प्रथा थी और मेनर व्यवस्था। मेनर व्यवस्था व्यवस्था अब इसमें अगली पॉइंट देखेंगे। पश्चिमी यूरोप के अनेक देशों में, पश्चिमी यूरोप के अनेक देशों में 14वीं, पश्चिमी यूरोप के अनेक देशों, पश्चिमी यूरोप के अनेक देशों, अनेक देशों में 14वीं सदी के बाद अनेक देशों के 14वीं सदी के बाद 14वीं सदी के बाद मेनर व्यवस्था और श्रम के रूप में श्रम के रूप में महसूल चुकाने लार्ड की भूमि को महसूल के रूप में मुक्त जोतने बोने की व्यवस्था का लोप हो गया। पश्चिमी यूरोप के अनेक देशों के 14वीं सदी के बाद मेनर व्यवस्था और श्रम व्यवस्था के रूप में महसूल चुकाने अर्थात लाड की भूमि को महसूल के रूप में मुफ्त में जोतने बोने व्यवस्था का लोप हो गया। यूरोप में सामंतवाद से जुड़ी एक और विशेषता थी। यूरोप में सामंतवाद से जुड़ी एक और विशेषता सेना का संगठन था। घोड़े पर बैठा बख्तरबंद
घोड़े पर बैठा बख्तरबंद नाइट सामंती व्यवस्था का सबसे ज्वलंत प्रतीक था। प्रतीक था यूरोप के सामंतवाद से जुड़ी एक विशेषता सेना का संगठन था। घोड़े पर बैठा बख्तरबंद नाइट सामंती व्यवस्था का सबसे बड़ा ज्वलंत प्रतीक था। राजा की सहायता के लिए एक निर्धारित संख्या में घुड़सवार और पैदल सेना कायम रखने की जिम्मेदारी पैदल सेना कायम रखने की जिम्मेदारी सेना कायम रखने की जिम्मेदारी फ्यूडल लार्डो को सौंप दी गई। फ्यूडल लार्डो को सौंप दी गई। सेना कायम रखने की जिम्मेदारी फ्यूडल लार्डो को सौंप दी गई। इस तरह राजनीतिक आर्थिक अब अगला पॉइंट इस तरह राजनीतिक आर्थिक इस तरह राजनीतिक आर्थिक और सैनिक अनेक कारण सैनिक अनेक कारण सैनिक अनेक कारण यूरोप में फ्यूडलिज्म के विकास के लिए उत्तरदायी थे। फ्यूडलिज्म के विकास के लिए उत्तरदायी थे। अगला पॉइंट देखेंगे पश्चिमी एशिया और भारत की तरह यूरोप में भी मध्यकाल धर्म काल
मध्यकाल, धर्मकाल था। पश्चिमी एशिया और भारत की तरह यूरोप में भी मध्यकाल या धर्मकाल था। मध्यकाल और धर्मकाल था। और जो धर्म का प्रवक्ता और जो धर्म का प्रवक्ता होता था उसके पास काफी शक्ति और प्रभाव होता था। आज इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं साथियों। ये हमारा जो दो भागों में बटा हुआ था, इसको कंप्लीट किए सर्फडम और मेनर के बारे में। अब हमारा जो अगला हेडिंग है अरब दुनिया के बारे में जानेंगे हम सब। अरब दुनिया के बारे में नेक्स्ट डे जानेंगे, इसलिए इस वीडियो को आज यहीं पर रोकते हैं। ये वीडियो मध्यकालीन का आज आप लोगों का पहला चैप्टर से शुरुआत हुआ है। इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, और जो भी समझ में ना आए कमेंट द्वारा हमको बताएंगे, तभी हमें पता चलेगा कि आप लोगों को कहां दिक्कत हो रही है, किस तरह की परेशानी हो रही है पढ़ने में। हम उस आपके कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे। और इस चैप्टर को समाप्त होने पर आप लोगों का MCQ कराएंगे, इस क्वेश्चन का MCQ कराएंगे आप लोगों को। साथियों, इस वीडियो को रोकते हैं यहीं पर। हमारा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे और पढ़ने में सहायक हो, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा, और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद साथियों।